जी न्यूज इंडिया आप सभी देशवासियों से अपील करता है, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और संभवतः घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। पुलिस चौकी के सामने शव रख कर परिजनों ने किया हंगामा। जनपद लखीमपुर खीरी के गोला कोतवाली क्षेत्र की पुलिस चौकी आलीगंज में मंगलवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पीड़ित परिजनों ने शव को ले जाकर पुलिस चौकी के सामने रख दिया। आलीगंज निवासी छंगालाल उम्र 17 वर्ष बीती बुधवार को हरियाणा में मजदूरी करने के लिए गया था, वहीं रविवार को किसी वाहन से उसकी दुर्घटना हो गई जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। हरियाणा पुलिस ने छंगालाल के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराकर शव अलीगंज भेज दिया। अलीगंज में छंगालाल के परिजनों को यह गवारा न हुआ तो उन्होंने शव को ठेलियां से ले जाकर अलीगंज पुलिस चौकी के बाहर रखकर हंगामा करने लगे। परिजनों ने आरोप लगाया कि छंगालाल की हत्या की गई है जिससे उसका दोबारा पोस्टमार्टम हो और पुलिस जांच करे कि हकीकत क्या है। मौके पर महिला पुलिस सहित दल बल के साथ पहुंचे गोला कोतवाल अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि छंगालाल का पोस्टमार्टम हरियाणा में हो चुका है, उसका पोस्टमार्टम दोबारा नहीं हो सकता, जिस पर परिजनों ने 2 घंटे तक पुलिस चौकी के बाहर हंगामा काटा। गोला कोतवाल अरविंद कुमार पांडे ने 4000 व अलीगंज चौकी प्रभारी अवधेश कुमार यादव ने 2000 नगद की राशि मृतक के दाह संस्कार हेतु देकर किसी तरह मामला शांत कराया। तब परिजन शव को लेकर गए, तब जाकर पुलिस प्रशासन ने चैन की सांस ली।